लो गाइस भाई, आज के टाइम में ऐसी कलयुग में ऐसी सास बहू मिलना मुश्किल है भाई। दोनों साथ काम करती है, साथ ही टीवी देखती है शाम को, और साथ ही भाई अपने सारे वो चीजें करती है। Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे सभी मेरे यार दोस्तों, आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और भाई फुल ऑन मजे मार रहे हैं। भाई आप सबकी दुआ से हम भी बिल्कुल मस्त है और भाई फुल ऑन मजे मार रहे हैं। और भाई सुबह हो चुकी है, आज थोड़ा जल्दी उठ गया था। ऐसे ही कभी कभी नींद कम आती है, कभी कभी ज़्यादा आती है। तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ बाहर का मौसम। तो ये देखो भाई, बाहर का मौसम है कुछ ऐसा, मतलब गर्मी भी है, अभी सुबह सुबह का टाइम ही है, धूप तो है नहीं, थोड़ी सी गर्मी तो है, सफोकेशन वाली गर्मी है। और बाकी मिलवाता हूँ इधर सबसे कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। और परी ने अपनी गाड़ी भाई कल निकाल ली फाइनली। इधर मम्मी शायद आटा लगा रही है, अभी कर रही है पूजा, ये रही मम्मी मंदिर में। और इधर है हमारी परी और नीतू मैडम, नीतू पिला रही परी को दूध, उसका वो दूध वो रखा, अभी अभी उठी है ये परी भी। गुड मॉर्निंग परी बच्चा, परी बच्चा गुड मॉर्निंग। अभी सो के उठाया भी नहीं करेगा ये, गुड मॉर्निंग। और ये रही हमारी नितिशा मैडम, गुड मॉर्निंग नितिशा जी। रुक जा यार, एक तो यहाँ रूम की लाइट तो ऑन करके रखा करो, गुड मॉर्निंग, मेरे को फ्लैश ऑन करना पड़ता है फिर। गुड मॉर्निंग, इधर तेज से भी नहीं देखा जा रहा है इधर की साइड। ओहो हो लोगो, ये रही हमारी शबीना जी, गुड मॉर्निंग शबीना जी, गुड मॉर्निंग। आता जल्दी आ गया अभी टाइम से, चलो है अच्छा, चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। और भाई पापा भी आए नहीं है, पापा है भाई सरोल। तो चलो भाई जब मिलवाते हैं भाई मम्मी से। और ये रही हमारी मम्मी, मम्मी ने कर लिया भाई अपनी पूजा वूजा, गुड मॉर्निंग मम्मी। इधर से तो आप देख ही नहीं रहे, उधर से रोशनी ज्यादा आ रही है, अब दिख जाओगी शायद आप। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग। क्या ये क्या बुला रही हो? अच्छा ओके, मम्मी क्या बनाए खाने में आज? थोड़ी एक मिनट, अभी कुछ खाया, अभी कुछ खाया नहीं है क्या आपने? कुछ खाया सुबह से? चाय वाय पी है? पानी पिया है? पानी पिया है? हाँ, पानी पिया है। तो फिर उससे ही तेज बोल दो थोड़ी बहुत। तो बोल तो रही हूँ। अच्छा आलू गोभी बनी है? आलू गोभी ठीक है। अरे मीम ऐसे बोलती मेरी मम्मी, देखो गाइस ऐसे बोलती मेरी मम्मी, मतलब मेरा ही कान तक ना पहुंचे तो दूसरा सब्सक्राइबर का कान तक कहाँ पहुंचेगा? कान का पर्दा खोलो, खोल दो। तो ऐसे क्यों बोलो, जब हम आपसे रोटी पानी सब्जी सारी चीज देवा पूरे दिन में, तो ऐसे क्यों बोलो? अच्छा और के, और रात ने बना के रख दी भाई ये, जो कि मैं तुम लोगों को रोज दिखाता हूँ कि मुझे की है, ये बढ़िया है। नहीं मैं बता रहा हूँ वो तो बढ़िया, रात को ये बना के रख दी जो कि मैं कभी नहीं खाता। आप लोग जान के बनाते हो ना, ताकि आप लोगों का आटा बच जाए मैं रोटी ना खाऊं। आप लोग जान के बनाते हो ताकि मैं आप लोगों का आटा बच जाए मैं रोटी ना खाऊं, जान के ना खाऊं ताकि मैं बाहर। मुझे भिंडी पसंद। नहीं है आई समझ, मुझे भिंडी पसंद ही नहीं है मम्मी, थोड़ी तो खानी चाहिए, ऐसे थोड़ी कि बिल्कुल ही मत खाओ। अच्छा मम्मी अपने गुड़गांव से गए हैं दो लोग बिग बॉस में इस बार, एक एलविश और एक फुकरा इंसान करके। शबीना 2 सेकंड, शबीना भाई नहीं मानती, एक तो शबीना भाई जब मैं व्लॉग बनाता हूँ जब धड़ाई धड़ बर्तन पता नहीं फेंक फेंक के क्यों मारती है, गुस्सा आ जाता है। शबीना गुस्सा आ जाता है क्या तुम्हें? उसने भी जल्दी रहना, और भी तो है? जाना रहे। वैसे वैसे बिल्कुल आराम आराम धोती रहेगी, पर जब मैं भाई व्लॉग बनाऊंगा जब बर्तन फेंक फेंक के मारे। अच्छा ये बताओ मम्मी, एलविश को आप सपोर्ट करती हो फुकरा इंसान को? एलविश अपने गुड़गांव से, फुकरा दिल्ली से। एलविश के बारे में मैंने आपको बता भी रखा है, उसकी मम्मी मम्मी के एक दो व्लॉग्स भी मैंने आपको दिखाए थे। गुड़गांव का उसने सपोर्ट करांगा, तो मतलब एलविश को सपोर्ट करती हो आप? बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। और जब मैं जाऊंगा जब मेरे को करोगी सपोर्ट? नहीं करोगी? क्यों क्यों ना करूं? ना करो शबीना, मैं बिग बॉस में जाऊं? जाओ अच्छी बात है। है शबीना अच्छा बात है। तो आप ये बताओ जब मैं व्लॉग शूट करता हूँ, अभी मैं शबीना से वहीं पूछता हूँ, चलिए जब मैं व्लॉग शूट करता हूँ तो आप बर्तन ऐसे फेंक फेंक के क्यों मारते हो ताकि मेरा व्लॉग शूट ना हो? वो तो आराम से करती है, बताने से करती है, आवाज आएगी, आवाज आ जाता है। तो गाइस अभी है ना 9 बज चुके हैं और नीतू अभी तक परी को निला के लाई नहीं है, वो लेट हो चुकी है क्योंकि उसका 9 बजे का स्कूल था। पर अब ना अब आप एक चीज देखना, मैं उसको बोलूंगा ना कि तुम लेट हो गए हो, लिख के दे रहा हूँ मैं आपको ये चीज, मैं उसको बोलूंगा ना कि तुम्हारी वजह से लेट हुआ, वो बोलेगी आपकी वजह से लेट हुए, जबकि मैं उठते के साथ ही अपना फ्रेश हो लिया, ब्रश कर लिया, सब कुछ कर लिया, मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ, मैं 9:15 बजे रेडी हो गया था। पर वो बात आएगी मेरे ऊपर ही देखना अभी आप, बहुत मतलब पता नहीं क्या ही सिस्टम है भाई इस घर का। नहीं तो टाइम देखो यार, टाइम क्या हो चुका है यार, 9 बज चुके हैं यार, ठीक है मैं क्या करूं यार, तो जल्दी क्यों नहीं उठती तुम, जल्दी क्यों नहीं काम करती इसके, जल्दी क्यों नहीं निलाती इसको? मैंने तो अपने सारे काम कर लिए, आपकी वजह से लेट होती है रोज। मेरी वजह से लेट होती है? मेरी वजह से कैसे लेट हो? मैं तो उठते के साथ फ्रेश हो लिया, अपने ब्रश कर लिया, रेडी होके खड़ा हो गया, फ्रेश हो लिया, आपके इंतजार में रहे मैं इसको निलाने के, वो कुछ क्या यार खुद बाथरूम में घुस के बैठ जाते हो और फिर ब्लेम दूसरों को करते हो। रुको जरा,
सबर करो। ब्लेम क्या दूसरों करते, तो वो उसको दूसरे बाथरूम में निला लिया कर, मम्मी वाले में निला लिया कर, मेरे पे क्या ब्लेम डाल रहे यार बताओ। मतलब गाइस ये भी अच्छी बात है, मैंने ना सब कुछ तैयार कर रखा है इसका, बाहर लंच वगैरह बैग सब पैक है, और ये भी ना लिया, आप ही लेट करते हो डेली, अपनी गलती दूसरों पर डाल लो। देख लिया आप लोगों ने, मैंने पहले ही कही थी ये चीज, मैंने पहले बताई थी ना आप लोगों को ये चीज कि वो घूम फिर के मेरे ऊपर ही आ जाएगी, मैं अपने टाइम से रेडी हुआ हूँ, लेट ये हुई मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले दिखाया था। अरे तो उठाती एक उठाती तो उठाने के बाद तो मैं तो फटाफट अपना खड़ा होकर काम करने लग जाता हूँ ना, मैं तो कुछ ऐसा नहीं करता ना, कितनी देर बाद उठता हूँ यार, नहीं तो रहन दे यार, ठीक है। हाँ ओ पोली, कल से अगर तू टाइम से रेडी नहीं हुई ना, सुन ले ओए, कल से अगर टाइम से रेडी नहीं हुई तो देख लियो तू, हाँ अपने स्कूल के लिए रेडी हो रहे चुपचाप। तो गाइस इधर हो चुके हैं मैं और परी रेडी, अब हम दोनों जा रहे हैं स्कूल के लिए, परी को छोड़ूंगा स्कूल और उसके बाद भाई मैं निकलूंगा अपना जिम, पौने वाने बना के हो चुके रेडी। तू परी एक बात बता, तू सुबह जल्दी टाइम से क्यों नहीं उठती, जब तुझे पता है तेरा 9 बजे का स्कूल है तो तू टाइम से क्यों नहीं उठती। तो गाइस ये आ चुका हमारा डुग्गू बाबा, जय हो डुग्गू देवता की, जय हो डुग्गू बाबा की, जय हो। तो डुग्गू बाबा क्या लाए हो आज लंच में आप? हाँ दाल चावल। यार कुछ अभी कहीं ऐसे तड़कती भड़कती चीज लाए करो ना, छोले भटूरे हो गए या फिर भाई दाल मखनी होगी, क्या बोला तूने, या फिर शाही पनीर हो गया, ऐसा कुछ क्यों नहीं लाता तू? तेरी मम्मा देती नहीं? तेरी मम्मा तेरे को खाना वाना नहीं देती क्या? क्यों ऐसा क्यों? अरे यार ये तो गड़बड़ वाला काम हो गया है। आज है डुगू का पोएम डे है ना डुगू, तो क्या पोएम सुना के आएगा तू? हाँ सुना सुना। Hello everyone, my name is Samar Chadas. I am senior KG class. My full name is KG Petpool. Aage? KG Petpool, my topic is 5. My topic is plants. There are 4 types of plants. Herb, shrub, climber, creeper. Plants give us ocean, plants give बात का जवाब दे दे बस। मेरे पता चला योगिन तेरा पागल बना दिया आज, उसमें डेडलिफ्ट में तेरे को ले गया चला गया यहाँ से और वहाँ जाके सपोर्ट नहीं लगाई, सच्चाई बात झूठ है ये? 220 कंप्लीट थी। हाँ फिर योगी ने थोड़ा बढ़वा दिया, उसके बाद योगी पता नहीं किस उसमें रह गया, मतलब किसी की बातों में आ गया, मतलब योगी तेरी गलती नहीं हुई ना इसमें, 230 तेरी गलती नहीं हुई इसमें, हाँ गलती इसकी हुई, ये किसी की बातों में आ गया, कोई दिक्कत नहीं योगी ने फिर बाद में लगवाई दी, ऐसी कोई बात नहीं है, जिम कभी कभी कर देता है, पर जिम पे बड़ी बात नहीं, अच्छा ये कर देता ना, पर जिम पे ऐसी अफवाह उड़ रही है, योगी कौन कहेगा भाई नहीं करेगा तो इसको योगी कहेगा कौन है, ये बात भी है भाई, योगी वैसे गलत बात है, तू किसी नहीं आता पकड़ के ले जा रहा है एक्सरसाइज करवाने के लिए, वहां ले जाकर तू हट गया, और उसको मैंने उसकी शक्ति का आह्वान कराया, आह्वान करवाया, अच्छा तो ऐसी शक्ति का आह्वान मत करो ना, कल ने तेरी शक्ति कोई आह्वान करवा दे फिर क्या करेगा। हालत देख ही रही होगी भाई की भी, गर्मी बहुत रखी है बहुत जबरदस्त वाली भाई, अभी ये बता दो आप, क्योंकि ना इतने दिन हो गए भाई, मतलब नॉनवेज तो बिल्कुल बंद ही है, बॉडी एनर्जी जीरो है, तो क्या करा जाए, आपका भी बंद है, मेरा नहीं भाई का भी बंद है, इंतजार तो भाई कर ही रहे हैं, बॉडी के लिए भी तो भाई कुछ तो जिएगा भाई, साउंड खत्म होने का इंतजार करो बस भाई, वो तो है पर एनर्जी लेवल तो जीरो जाती जा रही भाई, कुछ तो बताओ आप, काफ खाओ भाई, दवा कितना खा सकते हो अभी, सिर्फ मतलब सुबह वर्कआउट से पहले, शाम को वर्कआउट से पहले जितना खा सकते हो पेट भर के, मतलब काफ से ही करना है, कॉम्प्लेक्स काफ हैवी, आलू शहद दही साथ में, या फिर शकरकंदी तो खैर आ रही है भाई, आ रही है कल ही तो देखी मैंने, इस पे तो देखी थी, हां इस पे देखी थी मैंने, शकरकंदी और दही कुछ ना मिले तो प्रोटीन ओट्स, वो नहीं वो तो भाई वो तो डेली ले रहा हूँ मैं शेकर में, मतलब दो ओट्स डाल के क्वांटिटी बढ़ा दो भाई, दिन में एक टाइम शकरकंदी और दही खा लो साथ में, और शकरकंदी तो भाई मैं वैसे भी खा लेता हूँ, मेरे को अच्छी लगती है दही के, मतलब जैसे सुबह तो मैं बहुत बार आलू दही में डाल के लाता था खा के, दिन में 2 पैकेट कम से कम भाई ओआरएस के, तो वो फिर ये जो बीसीडी वाले इसमें मिक्स कर लो उसको, ओआरएस काम थोड़ी करेगा ये, मतलब वाटर लेवल बढ़ाएगा ना, वो तो स्वेटिंग इतनी हो रही है भाई, ठीक हाइड्रेटेड एंड ना बॉडी, अच्छा इसके में आ रखा है, हाँ इसके पास आ रखी भाभी, मैं भी गया था ना, चलो ठीक है भाई, भाई बाय बाय। तो भाई ये देख लो इधर कर रही है भाई मम्मी और नीतू काम, दोनों तो साथ बैठ के, क्योंकि भाई आज के टाइम में ऐसे कलयुग में ऐसी सास बहू साथ में बैठ के काम करना मिलना मुश्किल है, अच्छी चीज़ बोल रहा हूँ कुछ गलत चीज़ नहीं बोल रहा, क्यों क्योंकि भाई ये दोनों ना साथ ही टीवी देखते हैं, साथ ही खाना बनाते हैं, साथ ही किचन में रहते हैं, यहाँ भी मैं जिम से आया था दोनों साथ ही अपना काम कर रहे थे, नजर क्यों, अरे अच्छी चीज़ बोल रहा हूँ तो नजर लगाऊंगा, और मेरी नजर नहीं लगेगी ना मेरी ऑडियंस की नजर लगेगी, भाई ये अच्छी है तो मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ तो ये अच्छी है,
तो वो तो अब वो तो फैक्ट है भाई, अगर आप कुछ वो करोगी इसके साथ छेड़खानी तो ये आपको छेड़ेगी। सास बहू का रिश्ता तो वैसे भी वैसा होता है, टॉम एंड जेरी वाला, बिल्ली चूहे वाला। एग्जैक्टली तो यही चीज तो मैं अभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई अच्छे से रखो, सब अच्छे से रहेंगे। अब देखो मम्मी अच्छी है तो नीतू अच्छी है, और नीतू अच्छी है तो ही मम्मी अच्छी है, दोनों को एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा। अब जैसे नीतू को कोई काम में दिक्कत होती है तो मम्मी फटाफट उसकी हेल्प करा देती है, जैसे नीतू सुबह परी को तैयार करती है तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि मम्मी रोटी बनाती है। जैसे कि मेरे को कल कमेंट भी आया है कि मम्मी रोटी हमेशा मम्मी की ड्यूटी है, तो मम्मी की ड्यूटी नहीं है भाई, नीतू काम कर रही है कुछ तो मम्मी कुछ कर लेंगी, और मम्मी परी का कर रही है तो नीतू खाना बना लेगी, तो मिलजुल के, हाँ मिलजुल के दोनों का काम हो जाता है, ऐसा नहीं है कि एक ही करते हमारे घर में। और फिर अकेली लगी रहे 10 बजे तक के फायदे। एग्जैक्टली तो इसीलिए हमारे घर में भाई कुछ मतलब इन दोनों का रिलेशन इतना मस्त है, टचवुड, और बनाए रहे भाई ऐसा ही हमेशा बना रहे। इनको जानते हो भाई जो ये है उसमें, इनको जानते हो? ये जो बैठती है सिलाई वाली? नहीं ये सिलाई वाली नहीं, ये जो पोस्टर में है ये नहीं जानते? फिर गजब बेइज्जती है इनके पोस्टर के, यहाँ तुम लगा रहे हो, इनको तुम जानते नहीं कैसे? कहाँ सिलोकरा में रहते हो? तो सिलोकरा में रह के इनको नहीं जानते फिर? पर हमको काम गया काम से। अरे यार यहाँ वोट डालते हो नहीं डालते? नहीं, सिलोकरा में यूपी से पड़ता है, तो यहाँ से ये खड़े हो रहे हैं ना इलेक्शन में, इसलिए। भाई सब गांव में पकड़ बनाओ थोड़ी यार, मतलब बताओ, मैं इस तरह बोला मगर भाई तू इनको जानता है? जानते हैं आप, इलेक्शन में खड़ा होना पकड़ आप बना नहीं रहे भाई सब गांव में, बेशक रहता रहे। एक एक छोटे एक साल के बच्चे को भी जानना चाहिए कि राजीव शर्मा एडवोकेट कौन है, जब तो इलेक्शन जीतोगे भाई साहब। आज ही पकड़ता हूँ भाई साहब को अभी जिम पे जाके, भाई साहब को मगर भाई साहब देख लो बेइज्जती होगी अपनी। मैं उससे बोला मगर इनको जानते? बोला नहीं जानता मैं, ठीक है। तो भाई साहब आप तक पहुंच जाएगी मेरी वीडियो, ठीक है आप तो जरूर देखोगे, तो करो कार्रवाई कर दो चालू अपनी यहाँ की। तो गाइस इधर निकल चुका है मेरा स्पेशली घिया का जूस, और घिया के साथ कुछ और भी डाला क्या? क्या टमाटर? टमाटर और वो आंवला, आंवला बच रहा था। तो गाइस ये निकल चुका है अपना घिया टमाटर और आंवला का जूस, आज सुबह नहीं पिया था इसलिए अभी पियेंगे। और ये मैडम को देख लो भाई, ये इसको ये ले, ये ले, ले। मेगा 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 वो हो रही है, वो कौन से बाबा है? वो नीम करोली बाबा। कुछ भी तो भाई ये आ चुके भाई पूरे, देख लो सबके सब। तो ये दो लोग पता नहीं भाई कौन सी बातें कर रहे हैं इधर कोने में बैठ के, ये पकड़े गए, ये दो लोग पकड़े गए कोने में बैठ के बातें कर रहे थे मोहसी और जिया जी। हम बुराई कर रहे थे राहुल, मेरी बुराई कर रहे थे। अभी अभी आएगा, अभी कैमरा लेके आएगा ना भाई राहुल। हाँ देख लो मोहसी भाई, मेरे मैं मोहसी भरोसा नहीं है, मोहसी नहीं कर सकती मेरी। हाँ